हेलो माय यूट्यूब फैमिली, मेरे चैनल अनीता नेचुरल ब्यूटी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। आई होप फ्रेंड्स आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी स्किन केयर बिल्कुल भी नहीं करते हैं, लेकिन हमें स्किन केयर ज़रूर करना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि हमारी स्किन का अगर हम केयर नहीं करते हैं तो कुछ समय से पहले ही हमारी स्किन डैमेज होने लगती है और हमारी स्किन पर रिंकल्स आने लगते हैं और हमारी स्किन बिल्कुल भी ब्राइट, ग्लोइंग, हेल्दी नहीं लगती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा फेस पैक लेकर आई हूँ, जो कि आपकी स्किन में स्किन को हाइड्रेट करेगा। और अगर आपकी स्किन में बिल्कुल भी साइन, कोई ग्लो नहीं रहता और आपकी बहुत स्किन बहुत मुरझाई सी रहती है और बिल्कुल खिली हुई नहीं लगती है, तो उसके लिए आज मैं बहुत ही अच्छा फेस पैक लेके आई हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं इसे बनाना कैसे है। तो उसको बनाने के पीसा हुआ मसूर हमें 1 टेबल स्पून, इसमें 1 टेबल स्पून इस तरीके से चंदन पाउडर हमें ऐड कर देना है। और फ्रेंड्स, हमें बीटरूट पाउडर इसमें ऐड कर देना है। और फ्रेंड्स, 1 चुटकी हमें हल्दी भी ऐड कर देना है। और फ्रेंड्स, हल्दी आपको 1 चुटकी ऐड करना है, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना है। और आपको इस तरीके से 1/2 टेबल स्पून हनी ले लेना है। आपका हनी फ्रेंड्स प्योर होना चाहिए, क्योंकि नेचुरल और प्योर जब चीज़ें होती हैं तो हमारी स्किन पे बहुत ही अच्छे अच्छे हमें बेनिफिट भी हमें प्रोवाइड करती है। उसके बाद ले लेना है हमें खीरे का जूस, वो हमें ले लेना है 1 टेबल स्पून। अब सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, ये फेस पैक बहुत ही अच्छा, अगर आपकी स्किन पे कोई भी साइन नहीं होता है तो उसको वापस लाने का काम करता है और आपकी स्किन पे एक अच्छा सा ग्लो आपको प्रोवाइड करता है। तो अच्छे से आपको मिक्स करना है कम से कम 2 मिनट के लिए। और फ्रेंड्स, ये फेस पैक हमारा बन चुका है और ये बहुत ही अच्छा फेस पैक है, क्योंकि ये आपकी स्किन पे पिंपल नहीं आने देता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, मॉइस्चराइज रखता है। तो आपको आपकी स्किन पे इसको अप्लाई करने के बाद बिल्कुल खिंची खिंची सी नहीं लगने वाली। और ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, क्योंकि फ्रेंड्स ये सभी स्किन टाइप्स के लिए इसलिए है क्योंकि ये सभी स्किन के लिए सूटेबल होते हैं। जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें डाले हैं सभी आपके फेस के लिए बहुत ही अच्छे हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इसको मैं आप लोगों को अप्लाई करके भी दिखाती हूँ। इस तरीके से फ्रेंड्स आपको लेना है और अपने पूरे फेस पे आपको फेस वॉश अच्छे से करना है, उसके बाद अपने पूरे फेस पे इसको अप्लाई कर लेना है। और फ्रेंड्स, मैंने जैसा बनाया है, जैसा बताया, अगर वैसे ही सेम आप करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पैक लग चुका है, अब हमें इसको कम से कम 15 मिनट के लिए इसी तरीके से लगा रहने देंगे। और फ्रेंड्स, इस फेस पैक को आपको केवल फेस पे ही नहीं लगाना है, इसको आपको नेक पे भी लगाना है, क्योंकि फ्रेंड्स कई बार क्या होता है, हम अपने फेस की अच्छे से केयर कर लेते हैं और नेक की बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो हमारे कलर डिफरेंस भी होने लगते हैं। हमारी जो नेक होती है वो हमें काली लगती है, लेकिन हमारा फेस वहीं पे हमें क्लीन और क्लियर लगता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे मेरी वीडियो 3 बजे आती है, तो नेक्स्ट डे मेरी वीडियो 3 बजे देखना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से लगा रहने देंगे। फ्रेंड्स, तो आप लोग देख सकते हैं फेस पैक मेरा ड्राई हो चुका है, मेरे 15 मिनट हो गए। अब मैं आप लोगों को इसका फाइनल रिजल्ट दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, तो आप लोग देख सकते हैं मेरी स्किन कितनी ग्लोइंग और ब्राइट लग रही है। और फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा ग्लो आया जहाँ पे हमने फेस पैक अपने लिए अप्लाई किए थे। फ्रेंड्स, तो आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ इस हाथ में अपना फेस पैक लगाई थी, लेकिन इसमें नहीं लगाई थी, तो डिफरेंस आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो आप लोग को थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी होगी तो प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिएगा। और फ्रेंड्स, उसके बाद आपको इस तरीके से एलोवेरा जेल आप अप्लाई कर लीजिएगा अपने पूरे फेस पे, या कोई भी मॉइस्चराइज़र जो आप अपने फेस पे लगाते हैं वो आपको अप्लाई कर लेना है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा फेस पैक था, आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर अपने लिए ट्राई करिएगा, आप लोग का भी ये फेवरेट बनने वाला है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से अगर यूज़फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिएगा। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।